हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो में हम बताए थे कि जितने भी लोग पैसे देके पैन आधार लिंक करवाए हैं वो लिंक नहीं हुई है। तो ये बात सुनने के बाद यही बात सामने आ रहे हैं कि पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं होने से क्या होगा। तो घबराने का कोई बात नहीं है। इस बात को लेकर अपना सरकार और आयकर विभाग ने क्या बताए हैं पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम जब भी डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आप 1000 रुपया देकर 30 जून 2023 तक पैन और आधार कार्ड की लिंक नहीं किया तो आप चिंतित हैं। उस स्थिति में सरकारी नियमों के अनुसार आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आप 1000 रुपया खर्च करके 30 दिनों के भीतर इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में पैन आधार लिंक नहीं करने से आपके लेन देन पर असर पड़ेगा, आप क्या समस्या में पड़ेंगे। एक नंबर में आप बैंक खाता नहीं खोल सकते हैं। दो नंबर पे आप नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तीन नंबर पे आप किसी भी बैंकिंग कंपनी या सरकारी बैंक में प्रतिदिन 50,000 से अधिक जमा नहीं कर सकते। चार नंबर पे होटल या विदेश यात्रा बिल के लिए 50,000 रुपये का नकद लेन देन नहीं किया जा सकता है। पांच नंबर पे 10 लाख से अधिक की अचल संपत्ति खरीदने पर पैन कार्ड विवरण की आवश्यकता होगी। छह नंबर पे 25,000 रुपये से अधिक की म्यूचुअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते। सात नंबर पे प्रतिदिन 50,000 रुपये से अधिक नगद में बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश नहीं खरीद सकते। आठ नंबर पे आयकर नियमों के नियम 114 AA के अनुसार यदि आपका पैन समाप्त हो जाता है या अमान्य हो जाता है, निष्क्रिय पैन के लिए रोके गए रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे। नौ नंबर पे आयकर रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। दस नंबर पे आप अधिक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। पैन अमान्य हो जाने के बाद दोषपूर्ण रिटर्न जैसी कोई भी रुकी हुई प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करना संभव है। जब तक आप दोनों के लिंक नहीं करते, कर विभाग आपके रिटर्न पर कार्रवाई नहीं करेगा। सबसे पहले जाने पैन कार्ड की वैधता। अगर आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो गया है तो इसे दोबारा एक्टिवेट करने के कोई तरीका है? इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CVDT ने 28 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें पैन कार्ड को फिर से लागू करने के चरणों के बारे में बताया गया था। अधिसूचना के अनुसार पैन कार्ड की फिर से सक्रिय करने के लिए नामित प्राधिकारी आधार लिंकेज के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यह 1000 रुपये जुर्माना शुल्क देना होगा। फिर उस कार्ड को लिंक करने में आवेदन की तारीख से 30 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए तो सक्रिय कैसे करें। अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करें।